जय हिंद साथियों, आज हमारे स्कूल लाइफ का ये शायद आखिरी वीडियो है। जो हम मेरे को भी जानते होंगे, आप सभी बहुत लोग जानते होंगे, मैं आप सभी के लिए जो भी रहता है नवोदय विद्यालय की अपडेट आप सभी को लाते रहता था। रेगुलर नए नए वीडियो जो नवोदय विद्यालय के अंदर जितना भी रहते हैं सब कुछ आप सभी को दिखाते रहता था, और सभी से शायद अपने हिसाब से जितना हो सके उतना मैं भेंट देने का प्रयास करता था। और ये हमारा आज नवोदय विद्यालय में 7 साल का जिंदगी, आज जो भी हम लोग शुरू से आज तक रहे हैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हमारे नवोदय विद्यालय से छोड़ के जाना पड़ रहा है। यानी कल मेरा फाइनल एग्ज़ाम समाप्त हुआ, मैथ का पेपर था, और आज ही हम लोग का सभी का निकल जाना था, लेकिन आज सभी लोग निकल गए, कुछ बचे हुए हैं। कल सुबह तक हम लोग सभी लोग निकल जाएंगे यहाँ से, पूरा जितना भी सामान लेकर आए थे आज से 7 साल पहले सभी सामान वापस लेकर घर चले जाएंगे, और शायद अभी 1-2 महीने के बाद वापस आएंगे TC लेने के लिए इस विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में। तो उसी के ऊपर थोड़ी सी आप सभी को कुछ अपने बारे में शेयर करना चाहता हूँ। जो भी हमारे वीडियो में देखते होंगे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जो मेरे को अच्छे तरीके से जानते थे, और शायद बहुत लोग पेरेंट्स यहाँ से मिलने आए थे हमसे। कल नहीं, आज मैं देखा कि 2 पेरेंट्स और आए थे हमसे मिलने, स्पेशली कि कोई है अमरजीत उनसे मिलना है बोलकर, तो आए थे, कुछ पूछे नवोदय विद्यालय के रिजल्ट वगैरह के बारे में हमसे, और बहुत अच्छे तरीके से बात की है। तो शायद अब तो उनसे मिलना तो बहुत कम चांसेस है, पॉसिबल कम है, क्योंकि अब नवोदय विद्यालय के मेरे को यहाँ सर जो भी था यहाँ 7 साल का जिंदगी कि अपना घर की तरह यहाँ से हमने व्यतीत किया था, और इसी को छोड़कर जाना पड़ रहा है। जो बच्चे नवोदय विद्यालय में आना चाहते होंगे तो वो अभी से ही तैयारी करते रह जाए, ताकि आगे वाला आने समय में अपने नवोदय विद्यालय में ज़रूर आए एक बार। और सच बता रहा हूँ, यहाँ से जाने को बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रहा है, और पीछे में कुछ हमारे छोटे जूनियर लोग हैं और साइड में, और मैं इधर ही साइड में, ये जो पहाड़ देख रहे हो पहाड़ के साइड में आ गया हूँ, इधर साइड का दृश्य देख सकते हो, ये बाउंड्री रहा हमारा विद्यालय का, और पीछे में बैकग्राउंड में उधर चारों तरफ बच्चे खेल रहे हैं वो उसके ग्राउंड में। तो वो सब चीज़ें चलिए बताते हैं, कहीं मैं बैठ जाता हूँ, अपने लाइफ के थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी बताते हैं आप सभी के। जो बच्चे नवोदय विद्यालय के रिजल्ट को लेकर भी इंतजार बहुत लोग करते हैं, सब लोग कमेंट भी करते थे, और शायद आपने देखा होगा हमने 2 दिन से वीडियो भी नहीं डाला है, 2 दिन से वीडियो, अपने 2 से 3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं हो रही है वीडियो बनाने के लिए, मेरे को अंदर से बिल्कुल भी मोटिवेशन आ ही नहीं रहा है कि मैं वीडियो आप सभी के लिए कैसे बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ। और इसी को लेकर बहुत अजीब लग रहा है यार मेरे को भी कि अब यहाँ से निकलना पड़ा है नवोदय विद्यालय से, लेकिन कोई नहीं, 7 साल जो भी यहाँ पर रहें और इस सब चीज़ को छोड़ के जाना ही पड़ता है, और निकलने का सच बताऊँ तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, और इसीलिए मैं शायद वीडियो नहीं बना पा रहा था, कि एक तरह से माइंड में टेंशन भी था कि यहाँ से निकलने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन वही शायद कोई हॉस्टल लाइफ में जिया होगा तो उसको पता होगा लाइफ किस प्रकार का लाइफ होता है हॉस्टल लाइफ में, और यही हम लोग छोड़ कर यहाँ से जाएंगे कल परसों, उसके बाद आगे क्या होगा ज़िंदगी आप सभी को वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे, और आप लोगों का प्यार बना रहा तो और आगे तक हम लोग शायद जाएंगे यूट्यूब पर ही। लेकिन साथ एक छोटी बताता हूँ, जब हम लोग क्लास 6 में आए थे तो एकदम छोटा सा बच्चा थे, मतलब यहाँ देख सकते हो साइड में फ़ोटो लगा दिया हूँ, पूरा क्लास 6 में सबसे छोटे अपने क्लास में स्टूडेंट थे हमने, 2017 में आए थे यहाँ पर, और अभी भी मैं क्लास में शायद हाइट में सबसे बड़ा हूँ, लेकिन रियल रूप से उम्र में भी बहुत छोटा हूँ। और जब क्लास 6 में आए थे तो कुछ भी मेरे को यहाँ पर जो बोला जाता है ना अपने भोजपुरी वर्ड में, हिंदी वर्ड में अकील, थोड़ा सा बोला जाता है कि मैच्योर नहीं थे, उस प्रकार के बच्चे थे यहाँ पर हम लोग क्लास 6 में आए थे। लेकिन नवोदय विद्यालय जो भी हमको बहुत कुछ दिया यहाँ पर पहला दिन है, तो एक तरह से ये नहीं होता है, नवोदय विद्यालय में सुविधा ही उपलब्ध है, बेड हो गए, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, ये सब तो मिलता है, ये सब अनिवार्य ही है, वो सब मिलता ही है यहाँ पर। लेकिन इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर रहना, कैसे रहना है, किसी के साथ कैसे बात करना है, यह सब चीज़ें मेरे को नवोदय विद्यालय ने सिखाया, और शायद उसी का देन है कि आज नवोदय विद्यालय को छोड़कर जा रहे हैं, तो थोड़ी अजीब टाइप की लग रही है। और इधर मैं साइड में आ गया हूँ पहाड़ वगैरह तरफ, जहाँ पर मैं रेगुलर बैठा करता था यहाँ पर आकर, और आप सभी के बहुत सारे वीडियो में दिखाया भी था ये पहाड़ वगैरह के बारे में, साइड में आकर आप सभी को शायद अपने लाइफ के बारे में कुछ पल आप सभी को दिखाते थे, और ये सब शायद कल के बाद आप लोग नहीं देख पाओगे, ज़्यादा उम्मीद तो यही है, क्योंकि कल हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से अपने घर की ओर, और फिर रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे, अपना कैसे रहेगा रिजल्ट वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। और यही पर साथ हुआ, आप लोग भी जो बच्चे नवोदय विद्यालय में आना चाहते हो, सबका सपना होता है नवोदय विद्यालय में आने के लिए, तो आप लोग आइए ज़रूर नवोदय विद्यालय में, बताता हूँ आपको, दिल से बताता हूँ, यहाँ जैसा जो माहौल रहता है नवोदय विद्यालय का, आप लोग शायद कभी बाहर में माहौल ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। पढ़ाई लिखाई ही नहीं मैनर बेटर करता है हर चीज़ पर, यहाँ का रहना सीखना, यहाँ दोस्तों के साथ मिलना जुलना, ये सब चीज़ें जो होता है ना शायद बाहर में नहीं पॉसिबल है, कोई हाल में पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर जैसे हम लोग क्लास 6 में ही छोटे थे, सुबह 5:30 बजे से ही भोर में असेंबली के लिए बेल लग जाता, 5:30 बजे मॉर्निंग PT होता, 4:30 बजे 6:30 बजे 6 बजे तक,
7 बजे हम लोग का ब्रेक होता है, और यही सब चीज़ें थोड़ी याद तो ज़रूर आएंगी, क्योंकि आप लोग खुद सोचना कभी जो बच्चे आपके घर में शायद कोई हॉस्टल लाइफ जिए होंगे, हॉस्टल लाइफ में अच्छे तरीके से नवोदय विद्यालय जैसे स्कूलों में रहे होंगे, तो उन सभी को ज़रूर ये बात पता होगा। और इसीलिए मैं छोटी सी वीडियो रहेगी, ज़्यादा लंबी तो मैं नहीं करने का प्रयास करूँगा, लेकिन एक छोटी सी स्टोरी मैं कहूँगा कि आप लोग जो भी चीज़ में ध्यान देते हो अच्छे तरीके से ध्यान दो, जो भी नवोदय विद्यालय में आना चाहते हो, आय के लिए जो प्रिपेयर करना चाहते हो, आपके घर में छोटे भाई होंगे वो सभी को जरूर नवोदय विद्यालय में एक बार जरूर ला कर रखो। क्योंकि देखो यार, बहुत लोग बोलते हैं नवोदय विद्यालय एक जैसे यहाँ बाउंड्री दिख रहा है, तो बाउंड्री के अंदर है भाई, बाउंड्री के अंदर है, बाउंड्री के अंदर बाहर जाकर भी क्या करेंगे हम लोग, अंदर में ही इतना अच्छा उपलब्ध है सुविधा, घर यहाँ बाउंड्री के अंदर में ये पहाड़ वगैरह, ये चारों तरफ का नेचर सेंस, और क्या चाहिए हम लोगों को, यहाँ का दोस्ती, यहाँ का मतलब बहुत अच्छा एक तरह से बन गया है जुड़ाव इस तरह सब लोगों के बीच। लेकिन यहाँ से जाने का सच बताऊँ तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही हम लोगों को, फिर भी ये तो है सच है कि कोई आया है तो कोई जाएगा ही, और कुछ कुछ बड़ा करना है लाइफ में तो कुछ खोना ही पड़ेगा ही, लेकिन दिल से शायद ही किसी को मन होगा यहाँ से जाने के लिए। फिर भी आप सभी के सामने एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से अपने बात को थोड़ा शेयर किया हूँ, और आप लोग जरूर कमेंट में मेरे को बताइएगा, अपना राय जरूर दीजिएगा। और जो भी नवोदय विद्यालय में आना चाहते हो यार, लोग कमेंट करते हो, मैं बहुत लोग देखा कि 4 दिन से रेगुलर में वीडियो भी नहीं डाला था, बहुत लोग भाई लोग का कमेंट आना स्टार्ट हो गया, बहुत पेरेंट्स लोग भी मिलने आ रहे थे मेरे से, 2-3 ज़्यादा नहीं, 2 ही पेरेंट्स आ रहे थे, लेकिन अच्छा लगता था कि कोई ना कोई चलो मेरे से मिलने तो आ रहे हैं ना, कोई पेरेंट्स है तो उनके एक तरह से अच्छे हैं मेरे को लगे तो ही वो आए मिलने ना, तो इस प्रकार लगता था शायद आप नहीं आए तो अब बेहतर ही होगा, क्योंकि अब आप आओगे भी तो हमसे तो नहीं मिल पाओगे। जोहार नवोदय विद्यालय गढ़वा झारखंड से हूँ मैं, जो बच्चे नहीं जानते होंगे मेरा नाम है अमरजीत कुमार, ये सब बहुत लोग तो जानते ही होंगे शायद मेरे को, वीडियो के माध्यम से देखते होंगे तो। और यही थी बात साथियों आप सभी के लिए, एक छोटी सी वीडियो में आप सभी को थोड़ा शेयर किया हूँ, और यहाँ से सच बताऊँ तो जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि नवोदय विद्यालय से छोड़कर शायद ही कोई बच्चा होगा जिसको जाने का यहाँ से इच्छा करेगा, मन करेगा, मेरे को मन बिल्कुल भी नहीं है। और साथ में देख सकते हो छोटे ही सब भाई लोग हैं इधर, थोड़ी सी मिला लेता हूँ इन सभी से, ये देखिए क्लास 8 में है, और अपना नाम बताइए। सोनू कुमार। तो यही सब कुछ उधर भी है साइड में, और आप सुनो भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभिनय कुमार, मैं जोहार नवोदय विद्यालय गढ़वा में कक्षा 8 में पढ़ाई करता हूँ। देखिए सभी सब जूनियर हैं जिससे अच्छे से लगा मैं शुरू से रहा था, और यही सब छोड़ कर जाना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी यहाँ से जाने की, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा है, फिर भी कोई नहीं, इतना तो वही है तो फैक्ट्स है कि कोई आया है तो कोई जाएगा जरूर। तो आप लोग भी जो नवोदय विद्यालय में आना चाहते हो, आप लोग मेहनत करो अच्छे तरीके से, नवोदय विद्यालय में ज़रूर आओ, और यही हमारी कामना रहेगी जो बच्चे हमारे वीडियो देखते हो, और सभी नवोदय विद्यालय के अच्छा स्कोर करो, रिजल्ट में आप सभी का पासिंग मार्क्स आ जाए, अच्छे से पास हो जाए सभी लोग, यहाँ पर अच्छे तरीके से एडमिशन हो जाए आप सभी को, यही कामना करता हूँ। और ये छोटी सी मेरी वीडियो रहेगी आप सभी के लिए, ज़्यादा तो बड़ी नहीं है, फिर भी 8 मिनट के लगभग आसपास वीडियो हो जाएगी, तो कोई नहीं, और यही वीडियो एंड करता हूँ, आप लोग से मिलता जुलता रहूँगा मैं, जो भी नए दिन आएंगे, जो भी कुछ आएंगे आप सभी को साथ शेयर करूँगा, जरूर शेयर करूँगा, यही वीडियो एंड करता हूँ, जय हिंद वंदे मातरम।